हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नर्जा वीरपरिया और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे साबूदाना खीर। तो चलिए उपवास की एक और रेसिपी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप साबूदाना और उसे बहुत ही कम पानी में भिगो देंगे। करीबन साबूदाने से आधे क्वांटिटी पानी इसमें डालना है और इसे 3-4 घंटे के लिए सोक होने के लिए हम साइड में रख देंगे। करीबन 4 घंटे के बाद हमारे साबूदाना भिगो के रेडी हो चुके हैं। तो हम एक कढ़ाई में लेंगे 1/2 लीटर दूध। मुझे खीर एकदम क्रीमी पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे बिना गर्म किया हुआ फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ। उपवास की रेसिपी में हम खीर को गाढ़ा करने के लिए कस्टर्ड पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर पॉसिबल है तो आप फुल फैट मिल्क ही यूज़ कीजिए। दूध का एक उबाल आने के बाद हम इसमें हमारे भिगोए हुए साबूदाना डाल देंगे ताकि ये गर्म दूध में अच्छे से कुक हो जाए। हम साबूदाना को 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे और जब तक हमारे साबूदाना कुक हो रहे हैं तो नीचे वो बड़ा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वो प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम खीर में डालेंगे थोड़ा सा केसर। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मुझे मिठाई में केसर डालना कितना पसंद है। केसर से उसकी स्मेल और कलर दोनों ही निखर के आता है। लास्ट में हम डालेंगे 1/4 कप चीनी। अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हो। कढ़ाई की साइड में मलाई को स्क्रेप करते हुए हम इसे 2-3 मिनट के लिए स्टर करेंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से बादाम, काजू और पिस्ता। आप चाहे तो अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और खीर को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। जब खीर रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसे रेफ्रिजरेटर में कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद आप सर्व कीजिए एकदम ठंडी ठंडी खीर और एंजॉय कीजिए उपवास के टाइम पे। तो तैयार है आपकी साबूदाना खीर, कई लोग इसे सैगो पुडिंग भी कहते हैं। तो लास्ट में हम खीर को गार्निश करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। हमने थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी खीर में ऐड कर दिए थे, पर इसे क्रंची टेक्सचर देने के लिए मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऊपर से ऐड करना पसंद करती हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।